ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट के लेसन, जो कि हमारी शंकर आईएएस एकेडमी के बुक से चलती है। तो काफ़ी लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ के। अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में हैं, तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर भी यहाँ पर देखेंगे पार्ट फिफ्थ के। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ इंडेक्स, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बेटर तरीके से बन सके और आप समझ सको कि कितने चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारी ये लास्ट चैप्टर्स है, जो कि इन्वायरमेंट इशूज़ एंड हेल्थ इफेक्ट को देखेंगे। तो देखते हैं, और यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग प्रीवियस लेसन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट इशूज़ एंड हेल्थ इफेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या क्या इशूज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और उससे हमारे ह्यूमन बींग के हेल्थ में क्या क्या इफेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म जो है वो है टॉक्सिकोलॉजी इफेक्ट। तो टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है? इकोटॉक्सिकोलॉजी का मतलब ही होता है कि एक तरीके का स्टडी करना कि जितने भी पॉलिटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में हैं, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में जो भी पॉलिटेंट्स है, अगर ये रिलीज़ हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करना। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटेंट है, जैसे कि रेम है। तो रेम एक बायोलॉजिकल डैमेज करने के लिए ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट बर्बाद हो रही है। एक तरीके का एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है किसी भी टाइप का, वो हमारे बायोलॉजिकल इंजरी में यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी ह्यूमन बींग में। तो ये रेम है जो कि आपको ध्यान रखना है। आयोडीन 131 है, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट से प्रोड्यूस होता है। कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो उससे जो हमारे यहाँ हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे निकल कर आती है, वो आयोडीन 131 होता है, जो कि हमारे वेजिटेशन में पास होता है। फिर उसके बाद इसको दूध में भी देखा गया, यानी कि कैटल के मिल्क में, क्योंकि वो कंटामिनेटेड वेजिटेशंस को कंज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद मिल्क जो है यहाँ ह्यूमन बींग के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो ह्यूमन बींग में ये पास हो जाता है। आयोडीन 131 से यहाँ पर सीरियस डैमेज होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड को, स्पेशली बच्चों में। अगर आप लोग देखोगे तो लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिविटी जो कि 99% तक है, वो यहाँ पे स्ट्रोंटियम और रेडियम से है, जो कि ह्यूमन बॉडी में जाता है, ओके, और ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है। तो आयोडीन 131 भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे लीड है। लीड को आप लोग जानते हो कि हाईली टॉक्सिक माना जाता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होता है, साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमन बींग के लिए भी होता है। लीड जनरली हमारे बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करती है, यानी कि एडल्ट से अगर हम लोग देखें तो बच्चों में ज़्यादा ये अफेक्टेड होती है। लीड पॉइजनिंग के कारण क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि लीवर और किडनी डैमेज भी हो सकती है। हेमोग्लोबिन, जैसे कि खून बनती है, तो उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलती है। मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम होती है, और फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में यहाँ पर एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलता है। तो ये सारी लीड के होने से यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ पर मरकरी आप देख सकते हो कि जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट टॉक्सिक है वाटर बॉडीज़ में। ये हमारे वाटर में प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को पूरी तरीके से कंटामिनेट कर देती है। हाई लेवल ऑफ मर्करी अगर फिश स्टॉक में देखें तो ये भी पाया जाता है, जो कि मोस्टली यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, जैसे कि हमारी मुंबई, कोलकाता, करवर और नॉर्थ कोयल है, ये सारे एरिया में। साथ ही आप लोग फ्लोरीन का भी बात कर सकते हैं, ये हमारे नेचर में होता है फ्लोराइड जैसा, एयर में होता है, सॉइल में होता है, वाटर में होता है। फ्लोरिसिस की बात करें तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग हाई फ्लोरीन कंटेंट वाटर को इनटेक करते हैं। तो फ्लोराइड से क्या होता है, डेंटल फ्लोरिसिस हो सकती है, हमारे जॉइंट में स्टिफनेस होती है, बोन्स में और जॉइंट में काफ़ी पेन होता है, और तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है फ्लोरीन के प्रेजेंस से। फिर DDT भी आप लोग जानते हो एक टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स है, जो कि DDT है, BHC है, PCB है। तो ये इजीली आपका डिग्रेड नहीं होता है, और लॉन्ग लास्टिंग यानी कि काफ़ी देर तक ये हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। इनकी जो कंसंट्रेशंस है वो हमारे वाटर में इंक्रीज होते जाती है और सॉइल में भी। और DDT की बात करूँ तो ये स्प्रे किया जा रहा है, बहुत सालों से ये स्प्रे किया जाता है, जिससे कि मॉस्कीटो की जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉस्कीटो है वो यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। तो DDT की यहाँ पे आप लोग स्प्रे भी देख सकते हो, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी यहाँ पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ती है। अगर लीड हम लोग प्लांट में देखें, मॉडर्न हाउसेस में आप लोग देखते हो कि फुल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो इसमें से लीड भी होता है, जो कि पेंट में होता है, सॉरी प्लांट नहीं, पेंट में होती है। तो जो आप लोग एशियन पेंट, बर्जर पेंट कराते होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं लीड होती है। तो ये सेवरल कंट्रीज़ में हम लोग देखे हैं कि इस तरीके की जो यहाँ पे लीड का इस्तेमाल है पेंट में, उसको बैन किया गया है। इंडिया भी अभी इसको करेगी, इंडिया अभी नहीं की है। तो इस तरीके से जो आप लोग जब पेंट होता है तो उसको जब इनहेल करते हो, कितना स्ट्रॉन्ग स्मेल, और किसी किसी को बहुत अच्छा भी लगता है, तो उस तरीके की स्मेल को आप जब इनहेल करते हो तो उससे क्या होता है कि ये जो लीड की स्मेल होती है हमारे बॉडी में चला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट करती है, ओके। ट्रांसफैट क्या होता है, एक तरीके का मोटापा है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के
एडिशन से होता है, और ये ऑयल में होता है। जो हम लोग तेल वगैरह खाते हैं, ऑयली ऑयली खाते, चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो ये क्या होता है कि ऑयल में जो है हाइड्रोजन एटम के मिक्सिंग से इस तरीके का ट्रांस फैट होता है। एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि इंडस्ट्री प्रेफर करती है कि वो यहाँ पे ऑयल को जो है ना टर्निंग रैंसिड्स में टर्निंग करने से पहले, यानी कि इसमें टर्न होने से पहले ही उसको रखती है और लॉन्गर शेल्फ लाइफ तक इंश्योर करती है। ट्रांस फैटी एसिड आप लोग सुने होंगे कि वनस्पति में होती है, तो ट्रांस फैट जो है यहाँ पे हमारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को यहाँ पे होस्ट करती है, जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि डायबिटीज़ से लेकर हार्ट डिजीज़ तक होती है, साथ ही साथ कैंसर भी होती है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री 2008 में ये एक नोटिफिकेशन के साथ आई थी कि फूड में जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड होना चाहिए कि कितना ट्रांस फैट है। तो ये चिप्स वगैरह जो आप लोग बाहर से जितनी भी खाते हो, आपकी बिंगो हो गई या फिर कुरकुरे वगैरह हो गए, तो उसमें आप लोग पीछे देखिएगा कि ट्रांस फैट कितना लिखा हुआ है। ओके, तो अगर जिसमें भी आपका ट्रांस फैट की मीन्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको आप लोग जो है प्लीज़ अवॉइड कीजिए। हाई कैफीन इन एनर्जी ड्रिंक, यानी कि एनर्जी ड्रिंक जो कि आप लोग देखते हो, तो उसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरीके के ड्रिंक जो है ना वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एनर्जी तो आपको देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो है हार्मफुल इफेक्ट छोड़ कर जाती है। जो मैन्युफैक्चरर्स है वो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि कैफीन, टरीन और विटामिन और यहाँ पे हर्बल सप्लीमेंट, शुगर, स्वीटनर, ये सब के कॉम्बिनेशन जो है ना काफ़ी यहाँ पे एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स इन ह्यूमन ब्लड। तो पेस्टिसाइड्स जो है वो कॉमनली इंडिया में काफ़ी यूज़ होती है और काफ़ी ग्रेट कॉस्ट में भी पाया जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 15 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स है जो कि 20 ब्लड सैंपल्स में यहाँ पे इंडिया में पाया गया है, और लार्जली ये पंजाब वाले एरिया में पाए गए हैं। क्योंकि पेस्टिसाइड्स आपको पता है कि पंजाब हरियाणा वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, खेती वगैरह बहुत होती है, फार्मर्स भी वहाँ पे बहुत होते हैं, तो कीटनाशक चीज़ों से बचाने के लिए क्रॉप को कितने भी फार्मर्स हैं ना, तो वो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो छिड़काव करते हैं अपने क्रॉप में, तो उससे क्या होता है कि वो जो है इनहेल भी कर लेते हैं अपने बॉडी में, तो काफ़ी के ब्लड में इस तरीके का पेस्टिसाइड्स का सैंपल भी मिला है। ओके, अब यहाँ पे पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। सारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, और उसमें ये टॉक्सिसिटी जो है निकल कर आती है। एक डोज़ यहाँ पे ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग जो है मेजरेबल हार्मफुल इफेक्ट देख सकते हैं। ये यूजली जो है आपका टेस्ट से होता है। तो टेस्ट किससे होगा? आपका माइस से, रैट से, या फिर रैबिट या डॉग, ये सब में से टेस्ट किया जाता है, यानी कि चूहे वगैरह में टेस्ट किया जाता है ये पेस्टिसाइड्स का, और इससे पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा ये हार्मफुल है किसी के बॉडी के लिए भी। ओके, तो अब देखते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट जब धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि बर्बाद होती जा रही है, एकदम विनाश के कगार में आ रही है, तो उससे बहुत सारा जो है इन आपको बीमारी भी होता है। तो कौन कौन सी बीमारी होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहली है मिनामाटा डिजीज़। तो मिनामाटा डिजीज़ जो है फर्स्ट टाइम ये मिनामाटा सिटीज़ में पाया गया था, जो कि जापान की एक सिटी है। इससे क्या होता है ना कि मिथाइल मरकरी रिलीज़ होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे सिम्टम्स है, जैसे कि आपको जो है नमनेस हाथ में देखने को मिलेगा, फीट में देखने को मिलेगा, जनरल जो है मसल वीकनेस देखने को मिलती है, देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी आईसाइट में प्रॉब्लम होगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो मिनामाटा डिजीज़ से ही निकल कर आती है, यानी कि मिनामाटा डिजीज़ की ये सिम्टम्स हैं। ओके, इटाई इटाई डिजीज़ भी आप लोग सुने होंगे कि इटाई इटाई डिजीज़ जो है ये मास कैडमियम के पॉइजनिंग से होता है। ओके, एक सेकेंड और आगे देखते हैं। जो कैडमियम है ये, इसकी जो पॉइजनिंग होती है ना, ये हमारे बोन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है, और इससे किडनी भी फेलियर होती है, तो ये इटाई इटाई डिजीज़ होती है। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम भी आप लोग काफ़ी हद तक सुने होंगे। ये बिलीव किया जाता है कि हाई नाइट्रेट कंसनट्रेशन से, जो कि ग्राउंड वाटर में जब ज़्यादा नाइट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो इससे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो होमोग्लोबिन में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या होता है कि बेबीज़ में जो है ना डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये ग्राउंड वाटर जो है ना ये कंटामिनेटेड होती जा रही है नाइट्रेट के प्रेजेंस के कारण, तो इसी से हमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम निकल कर आ रही है। फिर निमोकोनियासिस है, यानी कि कोल माइनर्स जो है फ्रिक्वेंटली इस तरीके से ब्लैक लंग डिजीज से पाए जाते हैं। जितने भी कोल माइनिंग होता है, खाद्यान्न होता है कोयले की, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलता है कि जितने भी पर्संस वहाँ पे काम करते हैं, तो वो जो कोयला का जो माइनिंग वगैरह करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो लोग इनहेल भी कर लेते हैं, जिनसे कि उनके लंग डिजीज़ यानी कि ब्लैक लंग डिजीज़ देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग निमोकोनियासिस कहते हैं। ओके, तो ये एक तरीके का लंग डिजीज़ है। एस्बेस्टोसिस क्या होता है कि वर्कर्स जो भी एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम करते हैं, एस्बेस्टोस है उसमें सीरियल लंग्स डिजीज़ हो जाता है, तो सीरियस जो लंग डिजीज़ होता है उसको भी हम लोग एस्बेस्टोसिस कहते हैं। सिलिकोसिस है, ये एक तरीके का डिजीज़ है जो कि आपके सिलिका के डिपॉजिट से होता है, तो ये सारी चीज़ें लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी हिम्फाइसिमा है,
तो ये हमारी जो सेंसिटिव टिश्यू है लंग की, उसकी ब्रेकडाउन होती है क्योंकि एयर पॉल्यूशन के कारण, सिगरेट के स्मोक के कारण। तो इससे हमें क्या हो जाता है, इम्फाइसीमा हो जाती है। एक बार ये डिजीज़ हो जाती है तो लंग्स फिर से ये एक्सपेंड नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। यानी कि जैसे ही आप सांस लेते हो, सांस आप रिलीज़ करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो आपकी जो लंग्स है ना वो यहाँ पे फुलती है, फिर यहाँ पे सिकुड़ती है, फुलती है सिकुड़ती है। तो एक बार ये आपको इम्फाइसीमा हो जाती है ना, तो आपकी ये लंग्स की जो फंक्शन है वो बंद हो जाती है काम करना। फिर है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम देखे तो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सिंड्रोम का, जो कि इंडिविजुअल प्लेस ऑफ वर्क और ये आपका रेसिडेंस से रिलेटेड है। तो सिक बिल्डिंग कॉजेज जो है ना, बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है कि आपको हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोल्ड से इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन ऑफ ओजोन है, लाइट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि यहाँ पे यूज़ होता है, और एडिक्वेट जो फ्रेश एयर है, वो फ्रेश एयर जो इनटेक है, इसकी कमी देखने को मिलती है। फिर मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप लोगों को पता है कि सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट है, यानी जब यहाँ पे पेड़ काटा जा रहा था उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में, जब ट्रीज़ को काटा जा रहा था, तो वहाँ के जितने भी लोग थे, अगल बगल जो रहते थे, वो ट्रीज़ को नहीं काटने के लिए क्या किए कि वो खुद सब कोई पेड़ से चिपक गए। इससे ये देखा गया कि वो लोग इन्वायरमेंट को कहीं से भी नष्ट होने नहीं दे रहे थे, और इसको हमने चिपको मूवमेंट का नाम दे दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित था। उसके बाद एक और है अपीको मूवमेंट। तो अपीको मूवमेंट क्या था, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था जो कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे ही था। तो चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में था, एक हिमालय में था, जो कि काफ़ी वहाँ के लोग के द्वारा इंस्पायर्ड थी। उसी के बाद अपीको मूवमेंट जो है एक न्यू अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई, वो भी सदर्न इंडिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नदर्न इंडिया की है चिपको, और अपीको जो है हमारी सदर्न इंडिया की है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड इन्वायरमेंट है, ISO कहते हैं, जो कि बहुत हर समय जो है ये अपनी इन्वायरमेंट को किस तरीके से कंजर्व करना है, इन्वायरमेंटल में क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कैसे इसको आपको प्रिजर्व करके रखना है, इसके बारे में पूरी बात की जाती है। फिर है यहाँ पे नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के तहत इसको सेटअप किया गया था। इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि ट्रीज़ को इंक्रीज़ करना है और ग्रीन कवर लेकर आना है वेस्ट लैंड में, यानी कि जितने भी बेकार की ज़मीन है उसमें हमारी ट्री को यहाँ पर प्लांट करना है, और उससे जो है हरा भरा पूरा सोसाइटी बनाना है। यहाँ पर हमें जो है ना मीन्स वेस्ट लैंड को यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रीनरी में कन्वर्ट करना है, वो इसका एक मेन एम था। ओके वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट देखें बायो एसी, तो बायो एसी एक तरीके का टेस्ट है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे कुछ डिटेक्ट करने के लिए कि उस बॉडी में कोई फिजिकल और केमिकल फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है दूसरे और अदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पॉल्यूशन स्टडीज़ में। पॉल्यूशन स्टडीज़ में आपको बायो एसी देखने को मिलेगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर ये कंडक्ट किया जाता है। फिर है आपका फ्लैगशिप स्पीसीज़। देखिए ये सारी जो टर्म्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप स्पीसीज़ उस तरीके के स्पीसीज को कहते हैं जो कि इन्वायरमेंटल कॉज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनको चूज़ किया जाता है कि जो भी इन्वायरमेंट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि इकोसिस्टम, जो कि यहाँ पे अभी कंजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरीके के स्पीसीज़ को हम लोग फ्लैगशिप स्पीसीज़ कहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। और ये सारे इन स्पीसीज़ जो है काफ़ी वल्नरेबिलिटी होते हैं, अट्रैक्टिवनेस भी होते हैं, और डिस्टिंक्टिवनेस भी होते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पर इंजेंडर सपोर्ट कर सके और एक्नॉलेज कर सके पब्लिक को। ओके तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज होती है, बड़े पैमाने पे ये स्पीसीज होती है, ये काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंस भी है और कंजर्वेशन भी किया जाता है इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए। साथ ही अब कीस्टोन स्पीसीज की बात करें तो ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुकी है। तो कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसके एडिशन और लॉस से, यानी कि अगर इन्वायरमेंट में आप उसको ऐड करोगे या फिर इन्वायरमेंट से आप हटा दोगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा दूसरे स्पीसीज़ के टर्म में। तो दूसरे स्पीसीज़ जो, जैसे आपको पता है कि फूड चेन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, एक जानवर को दूसरे जानवर खाते हैं, फिर उस जानवर को कोई और जानवर खाते हैं, जैसे कि हमारे घास को यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह खाए जाता है, मीन्स यहाँ पे ग्रास ओफर खाते हैं, ग्रास ओफर को आप लोग देख सकते हो फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को यहाँ पे स्नेक खाती है। तो ये सारी जो हमारी यहाँ पे फूड चेन है वो चलते जाता है। तो कीस्टोन जो हमारी स्पीसीज़ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ होती है, जिसके एडिशन से या फिर लॉस से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे आपके सारे टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, ये सारे एनिमल्स जो है कीस्टोन स्पीसीज़ में आते हैं। फिर इंडिकेटर स्पीसीज है, इंडिकेटर स्पीसीज से ही आपको नाम पता चल रहा है, जिसकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है सेट ऑफ अदर स्पीसीज के प्रेजेंस को, यानी कि दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस को जो है कोई अगर यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट करती है तो उसको हम लोग इंडिकेटर प्रेजेंस स्पीसीज कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं।
फाउंडेशन स्पेसीज है। फाउंडेशन स्पेसीज कहने का मतलब है कि डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि इकोसिस्टम है, तो दोनों टर्म में यानी कि वो एबंडेंस में भी है बहुत ज़्यादा उनकी स्पेसीज है, और इन्फ्लुएंस भी वो दूसरे को बहुत ज़्यादा करती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि केल्प फॉरेस्ट, कोरल जो कि कोरल रीफ में होती है, तो यहाँ पे कोरल रीफ में क्या होता है कि आपकी एक तरह अलगी भी होती है एक तरह कोरल होती है, तो एल्गी और कोरल जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है और एक साथ रह के बहुत ज़्यादा एबंडेंस में भी हो जाती है। फिर क्रिस्मेटिक मेगाफौना है, ये एक लार्ज एनिमल स्पेसीज है और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ भी अपील करती है, और इसको हम लोग कंजर्वेशन गोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें आपका जाइंट पांडा है, बंगाल टाइगर है, ब्लू वेल है, तो ये सब क्रिस्मेटिक मेगाफौना हो गई। उसके बाद अम्ब्रेला स्पीसीज़ की बात करें तो अम्ब्रेला स्पीसीज़ एक वाइड रेंजिंग स्पीसीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट में आपका जो है ना दूसरे स्पीसीज़ के लिए रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज़ है ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया गया है दूसरे स्पीसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि दूसरे स्पीसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए जो है कोई और स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरीके के स्पीसीज़ को हम लोग अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहते हैं। ओके, तो इतनी तरीके के हम लोग स्पीसीज़ देखें, और इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट की ये सारी जो है बेसिक टर्म है जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप लोग जो भी न्यूज़ में चीज़ें रहती है उसको आप लोग समझ पाओगे। ओके, तो गाइज हमारी ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कल हम लोग पार्ट वन स्टार्ट करेंगे जो कि इकोलॉजी पे है, बेसिक है, तो पार्ट वन भी हम लोग एक हफ्ते में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये इन्वायरमेंट की लेसन अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल होती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट करी सजेशन से तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।